हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आई शेफ प्रीति शिबुते अलॉन्ग विद चंचल विभूते आपके लिए और भी ज़्यादा एक्साइटिंग रेसिपी आज लेके आए। आज हम आपको एक नहीं बल्कि दो दो बहुत ही एक्साइटिंग रेसिपीज दिखाने वाले, जिसमें से पहली रेसिपी का नाम है महाराष्ट्रियन शादियों की जान ठंडा ठंडा कुल कुल मट्ठा, और इसी मट्ठे से बनी हुई ठंडी ठंडी कुल कुल और बहुत ही टेस्टी मट्ठा पानीपुरी। चलो शुरुआत करते हैं इंग्रेडिएंट के साथ। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट होगा वेरी ऑब्वियस बटर मिल्क, जितना आप चाहे उतना। हमने यहाँ पे लिया है लगभग एक बड़ा बाउल। मसाला बनाने के लीजिए एक टेबलस्पून जीरे का पाउडर, लगभग आधा टेबलस्पून काली मिरी का पाउडर और सेंधा नमक या काला नमक स्वादानुसार। चाहे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं एक टेबलस्पून चाट मसाला, पर ऑथेंटिक रेसिपी में चाट मसाला नहीं होता। आगे लीजिए आधा कप फ्रेश धनिए के पत्ते। मिठास लाने के लिए गुड़ स्वादानुसार, अगर आप चाहे तो गुड़ की जगह शक्कर भी यूज कर सकते हैं। आधा कटोरी पुदीना के फ्रेश पत्ते, ये पुदीना हमने हमारे खुद के किचन गार्डन से लाया है बिल्कुल फ्रेश। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा और अदरक के पौधे के 4 से 5 पत्ते। अदरक के पत्तों में बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है और साथ में माइल्ड फ्लेवर भी होता है, और इसका गहरा हरा रंग हमारे मट्ठे को एक अच्छा टेक्सचर देता है। ये दोनों इंग्रेडिएंट भी हमने हमारे किचन गार्डन से ही लाए हैं। अदरक को प्लांट करना बहुत ही ईजी है, इसकी डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमने किसी और वीडियो में दी है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक और पेस्टिसाइड फ्री है। आखिरी इंग्रेडिएंट 4 से लेके 5 ग्रीन चिलीज, अगेन फ्रॉम आवर फ्रेश किचन गार्डन। याद रखिए बटर मिल्क की खटास के अनुसार आप शक्कर और ग्रीन चिलीज की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं मट्ठा बनाने की। तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट एक्सेप्ट बटर मिल्क आप एक मिक्सिंग बाउल में लीजिए और उसको अच्छे से ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लीजिए। अब इसे छान के बटर मिल्क में ऐड कर दीजिए। बटर मिल्क को ठंडा सर्व करने के लिए चाहे तो आप उसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। लो, हो गया हमारा ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन मट्ठा रेडी। इसे सर्व कर दीजिए ठंडा ठंडा कूल कूल। ये बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, स्पेशली समर डेज में। चलो आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे हम बना सकते हैं मट्ठा पानीपुरी इस मट्ठे को यूज करके। तो उसके लिए जो एडिशनल इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है खारी बूंदी एंड शेव या भुजिया। तो हम लेंगे एक पानीपुरी का पूरी और उसमें डाल देंगे थोड़ी सी सेव और थोड़ी सी बूंदी, और उसमें फिल कर दीजिए हमारा ठंडा ठंडा कुलकुर मट्ठा। हमारा मट्ठा पानीपुरी 100% रेडी है। लगे हाथ हम आपको एक और रेसिपी बता देते हैं एक छोटी सी ट्रिक के साथ। तो जो स्ट्रेन करके मसाला हमने बनाया था, जिसको हमने बटर मिल्क में ऐड किया था, उसको बटर मिल्क की जगह अगर आप ठंडे पानी में ऐड कर देते तो ये बन जाएगा ठंडा पानी पूरी का पानी। अब बस एक पूरी लीजिए, उसमें सेव और बूंदी डालिए और ऐड कर दीजिए ठंडा पानी पूरी का पानी। लो, बन गई हमारी एक और टाइप की पानी पूरी। बस इसे गार्निश कर दीजिए लाल मिर्च की पाउडर के साथ और सर्व कर दीजिए बिल्कुल फ्रेश। याद रखिए इसे बना के मत रखिए, वरना हमारी पानी पूरी स्वैगी हो जाएगी। इसे आप जरूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।